जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 हेलो 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 यू कैन आर यू नेता गांधी जिंदाबाद नेता गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद जिंदाबाद किसान की बहू पार्टी की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष आगरा पूर्व में प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ महिला कांग्रेस आज यहाँ पर आप लोग ज्ञापन देने आए किस संबंध में जी हमारा ज्ञापन है कि हमारे जो अभी विश्वविद्यालय पर हमारे छात्र नेता गौरव शर्मा जी अपनी मांग को लेकर अपना बात रख रहे थे उन्होंने छात्रों की जो समस्या थी उनको लेके तो उनकी बात को न सुनते हुए कि आज ये लोकतंत्र हिटलर शाही तंत्र है कि आपको किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी परेशान व्यक्ति को कोई बात कहने का अधिकार नहीं है अगर कहता भी है उसके बाद भी तो उसको जेल में डाला जाएगा इसी तरह से हमारे छात्र नेता गौरव शर्मा को जेल में डाल दिया गया है उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं संगीन धाराएं उन पर लगाई गई हैं उनको बहुत बड़ा गुंडा बनाया गया है तो मैं ये अपने अधिकारियों से कहने आई हूँ आप सब लोगों से भी कह रही हूँ कि ये तंत्र बंद कर दें राजतंत्र ये बंद कर दें गुंडाशाही तंत्र बंद कर दें और जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं उनको हटाएं उनकी जमानत हो जाए बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे हैं बच्चे अगर भविष्य बिगाड़ना है तो हमारे कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं बिगड़ेगा छात्र का भविष्य नहीं बिगड़ेगा इस भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जरूर बिगड़ जाएगा उनको रिहा करें हैं और विंग शर्तों पर ही हमने किया है कि उनको न्याय दिलाएं और ये कहना चाहते हैं कि आखिर अंत हर किसी का हुआ है पाप का घड़ा भर जाता है हमारी देहात कहावत में है कि जब पाप का पूरा घड़ा भर जाता है तो ऐसा फूटता है कि फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है पाप करके उसका घड़ा फूटना निश्चित हो गया है अगर कार्यकर्ता की इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई यहाँ पर उनकी संगीन धाराओं नहीं हटाई गई बच्चा मेरा बाहर नहीं आया मेरा छात्र बाहर नहीं आया हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे ये चीज़ हम इनको अवगत कराने आए कब से उनको हमने कहा है कि आप देख लीजिए ये अधिकारियों के ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कार्यकर्ता की जनता की आवाज़ कितने दिन में समस्या का समाधान कर देंगे जेल में है उनको आज 5-6 दिन 6 दिन हो गए 6 दिन से बंद है अकेला थे लेकिन 4 दिन पहले 6 लोगों को और बंद कर दिया जबकि वो उनके छुड़ाने का